पूरा रेडी हो चुका है और ये अभी एक एक बार एक लोडिंग हो गया है। यहाँ पे पूरा ग्लव्स और सर पे टोपी क्या जैसे सैमने व्लॉग्स वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जैसे कि आज आप लोगों को मालूम है मुहर्रम के टाइम चल रहा है, तो अभी आज जो है अरबईन है। अरबईन जैसे कि हैदराबाद में बहुत ही अच्छा अरबईन होता है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हैदराबाद में अरबईन कैसे मनाते हैं और कितनी अच्छी अजादारी होती है। तो लेट्स गो, अब वीडियो में हम लोग जाकर देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से अजादारी होती है। अब हम लोग जाएंगे जुलूस में, यहाँ का जुलूस देखेंगे कैसा है अरबईन का, और पूरा आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम लोग आप लोग आज अरबईन का दिन है हैदराबाद में। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी पब्लिक कितना क्राउड है और यहाँ पे लोग एक दूसरे की आज़ादारी, यहाँ की जो हैदराबाद की बहुत ही फेमस है। अब इस तरफ देख सकते हैं आप पूरे कैंप वगैरह लगे हुए हैं। ये जगह का नाम दारुशिफा है और ये सामने जो है यहाँ पर अलावा सरतोख है। यहाँ पर भी मजलिसें होते ही रहती है क्योंकि आज अरबईन का दिन है। और उसके अलावा अभी 1 बजे के बाद यहाँ से जुलूस जाएगा, इसकी तैयारी हो रही है। ये देखिए आप, ये जो है यहाँ पर ये है अलावा सरतू के मुबारक है जो कि हैदराबाद, यहाँ पर आके जुलूस ख़त्म होता है मजलिस का। और पूरे रास्ते में सबीले लगी हुई है और ये जुलूस की पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप पूरे माइक्स वगैरह भी है और उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी LED लगाए रास्ते में। तो हैदराबाद में जो आज़ादारी होती है अरबईन के दिन और आम डेज में भी बहुत ही अच्छी आज़ादारी होती है यहाँ पर। अभी ये रास्ते को पूरा क्लोज कर दिए क्योंकि यहाँ से जुलूस जाता है पूरा। और आगे देख सकते हैं अब ये कम से कम ये जो इलाका है ये 1-2 किलोमीटर तक के इलाके में पूरे मजलिसें होते रहती है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरी सबीले वगैरह है, ये पूरी सबील्स है इस तरफ भी, और ये पूरा जुलूस की तैयारी हो रही है। वहाँ से जो है होटले अलीजा से जुलूस निकलेगा। यहाँ पर पूरा ज़ियारत अरबईन चल रही है। अस्सलाम अला हुसैन अल मज़लूम। अब यहाँ पर अलम है और जुलूस भी निकलेगा यहीं से। डेढ़ बजे वहाँ से अलीजा गुडले से निकलता है और यहाँ पर जो है अल्लाह सब कुछ में 7 बजे तक पहुँच जाता है जुलूस यहाँ का। हम लोग जो है खिलवत के लिए जा रहे हैं। खिलवत जो है साल में सिर्फ एक ही बार वहाँ की ज्यारत मिलती है, जो चारमीनार के पास खिलवत है, जो बहुत ही पुराना अशुरखाना है। साल में एक ही बार उसको खोला जाता है अरबईन के डैम पे। तो अब हम लोग वहाँ पर ज्यारत करके आएंगे और आपको बताएंगे वहाँ पे खिलवत कैसा है, वहाँ के अशुरखाने में कितनी अच्छी अच्छी इमाम हुसैन की जरी वगैरह। अशुरखाना है खिलवत, खिलवत है मुबारक। ये यहाँ से ये पूरा गेट है और पीछे देख सकते हैं आप ये जो खिलवत पैलेस है उसके बैक साइड है। सिर्फ साल में ये एक ही बार खुलता है अशुरखाना, बहुत ही कदीम में उस्मा, बहुत ही कदीम अशुरखाना है। ये है बहुत ही पुराना, तो साल में एक ही बार खुलने की वजह से यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ज्यारत करने के वास्ते। अब ये इधर की दूसरी कमत ग्राउंड में जो खिलवत आशुरखाने में कम से कम एक 7-8 आशुरखाने इसके साथ पूरे एक साथ, तो लोग ये जो है साल में एक बार खुलने की वजह से पूरे लोग अरबईन के दिन आके एक एक जगह ज्यारत करते हैं। पूरा आशुरखाना ये पहला आशुरखाना, इसके पास अब हम लोग अंदर इंटर होंगे। ये पूरा अलम मुबारक है खिलवत के, पूरी पब्लिक है बहुत ज़्यादा। ये इलाके में मेरे हिसाब से पूरे 6 से 7 आशुरखाने हैं अलग अलग। अब ये पीछे भी एक और आशुरखाना है, वहाँ पर भी है, ये एक आशुरखाना है, वहाँ पर एक है। तो ये इतनी सी खिलवत के इलाके में समझिए आप 7 आशुरखाने के अलग अलग इमाम के नाम से आशुरखाना मंसूब करे हुए, वो हिसाब से यहाँ पर अलग अलग इमाम के नाम से एक एक आशुरखाना है। वहाँ पर पूरे लोग यहाँ पर ज़्यारत करने आते हैं अलग अलग। ज़रिए मुबारक की शबी, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप
ये पूरे अलग अलग जरियों की सल्लल्लाहु मोहम्मद शवि बनी हुई है खलवत ग्राउंड में खलवत के अंदर स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा चढ़ावी मस्जिद पे जुलूस आ गया है, देख सकते हैं आप कितना क्राउड है अरबईन के लिए। ये लोग पूरे घर सर पे खाक डाल के आए। तो ये पूरे ऊँटों पे यहाँ पर अलम जाते हैं आशुरे के और अरबईन के। देख सकते हैं आप कितनी दूर तक क्राउड है। तो पूरे जुलूस जो है यहाँ पर ऐसा ऊँटों पे जाते हैं। अरबईन का दिन है आज। ये पूरा जुलूस जा रहा है अरबईन का यहाँ पे है। ये मुबारक आ रहा है ये पूरे वॉलंटियर्स हैं। पीछे जो भी जुलूस में कचरा वगैरह है ये लोग बेचारे पूरे साफ सफाई कर रहे हैं वॉलंटियर यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारी जो शादी खाने में मजलिस के लिए खाना बन रहा है वो भी आपको पूरे इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग ने जो मजलिस के लिए खाना बनाया है कितने देग है और कितने लोगों के लिए हम लोगों ने ये खाना बनाया है। तो अब हम लोग वहाँ जाएंगे अभी अंदर। ये पूरा खाना बना रहे हैं यहाँ पे बिरयानी अरबईन के लिए खास कर, देख सकते हैं। ये हमारे इमरान भाई पूरे मिर्चा इर्चा डाल रहे हैं। तो ये हैदराबाद का अरबईन जो होता है मतलब बहुत ही फेमस है हैदराबाद में अरबईन, और ख़ासकर लोग आते दूर दूर से यहाँ पर। अब ये पूरी यहाँ पर ये जो जितनी भी देगे हैं ये पूरी तबर्रुक की देगे हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी 2, 4, 6, 8, 9, 9 दुनिया 18, 27, 30 देगे चल रही है। 30 देगों में हमारे एक देग में 25 किलो से ज़्यादा 40 किलो तक की आती बिरयानी। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से ये 6 क्विंटल की जो है बिरयानी वगैरह बन रही। ये हमारे बावर्ची साहब इमरान भाई है। इमरान भाई कितनी बना रहे बिरयानी आप? 6 क्विंटल 6 क्विंटल की बिरयानी बना रहे पूरी। देख सकते हैं ये पूरा काम वाम चल रहा है यहाँ पे सिर्फ इमाम हुसैन के जायरीन की खिदमत के लिए और तबरुकात सब। ये सब मौला का करम के लोगों को कोई लोग इमाम हुसैन के तबरुक के टाइम पे कोई आदमी यहाँ से भूखा नहीं जाता हैदराबाद से बल्कि नहीं हर जगह से कहीं से भी लोग इतना तबर्रुक बनाते हैं यहाँ पे। ये पूरी हंडिया मिक्स हो गई है तबर्रुक के लिए। ये हमारे इमरान भाई यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। हमारे बहुत खास बावर्ची साहब है हमारे इमरान भाई। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा तबर्रुक बनाते हैं ना सकते माशाल्लाह से पूरा तबर्रुक रेडी हो गया है। अभी तक 28 है टोटल, अभी 14 रेडी हो गए हैं।
अब ये जो तबर्रुक यहाँ पर जो है यहाँ से सीधा पैकिंग होके सीधा अलाए सरतुक के पास जाएगा, और अलाए सरतुक में रात में जो मरकजी मजलिस होती है उसके बाद पूरा तबर्रुक डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पर ये थाल देखो आप, इमरान भाई इसकी बिरयानी तो उसकी बताइए क्या है। आग जलने की वजह से आग में भुजरा देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये पूरे जितने भी आपको यहाँ पर ये देख दिख रहे हैं इसमें पूरी बिरयानी है जो अभी 10-15 मिनट के बाद यहाँ पर हम लोग सब मिलके पैकिंग करेंगे। अभी ये और है जो अभी बनने के लिए है, अभी तक 14 रेडी हो गए और 14 है ना, 28 टोटल माशाल्लाह से इमाम हुसैन के नाम पे तबर्रुक जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। डब्बे आ गए यहाँ पर, ये हमारे भाई भी डब्बे ले लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है शतरंजी वगैरह बिछा के तबर्रुक यहाँ पे ठंडे के लिए रखेंगे, बिरयानी जो है। ये हमारे इमरान भाई पूरी बिरयानी निकाल रहे हैं यहाँ पे। अभी बिरयानी जो है यहाँ से इधर आएंगी, फिर यहाँ से पूरा पैकिंग होगी और यहाँ अंदर से एक एक देख निकाल के बाहर ले लेंगे। एक एक तबर्रुक की हंडी ऐसा तैयार हो गई है, अब हमारे भाई एक एक ले लेके आ रहे हैं और फिर यहाँ पर जो है इसके अंदर डालने के बाद ये लगन में डाल देंगे। फिर ये जो बिछार है इसके ऊपर एक एक लगन रख के फिर वो डब्बे खोल के डब्बों में पैकिंग करके शाम में पूरा अलावे के पास तबर्रुक बांटेंगे ये इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं पूरा तबर्रुक कैसे पैकिंग हो रहा है। यहाँ पे पूरा ग्लव्स और सर पे टोपी कैप वगैरह है। तो ये देख खत्म हो गया, ये पूरा ऐसा पैकिंग हो रहा है। ये हमारे नासिर भाई भी कर रहे हैं। ये एक में जो है भाई, हाँ 20 आ जाएंगे, 20 हाँ। चलिए 20-20 का करके लगा के आप समझे पूरे काउंटिंग में भी आ जाएंगे और बाहर आप जो है कसीना पहले पूरी तरफ पैक कर दिए। ये हो गया है भाई, अब मैं जो है ये देखो जी इसको मैं यहाँ से सीधा बाहर ले जाऊँगा, माशाल्लाह से देख सकते हैं आप इतने अच्छे। ये छोटे छोटे बच्चे भी इमाम हुसैन के तबर्रुक में पूरा कर रहे हैं, पूरी पैकिंग वगैरह चल रही है। ये हमारे फहीम भाई है, ऐसे ग्लव्स वगैरह पूरा पहन के। पीछे देख सकते हैं आप कितनी अदादारों की जुटी के लिए ये अरबईन का खासकर तबर्रुक पैकिंग हो रहा है। पूरा अच्छे से हो रहा है माशाल्लाह से काम। तो माशाल्लाह से हमारा तबर्रुक जो है पूरा रेडी हो चुका है और ये अभी एक लोडिंग हो गया इसके अंदर और इसके बाद और ऐसी ऑटो की एक दो ट्रिप लगेगी इंशाल्लाह। अभी ये तबर्रुक जो है बाद मजलिस वहाँ पे तकसीम किया जाएगा। देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे हमारे पास के कितनी मेहनत कर रहे हैं।
सो अभी तो पूरी क्रेट जम गई है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मजलिस स्टार्ट होने वाली है और पीछे अभी जुलूस भी है, अब जुलूस भी आने वाला है, जुलूस अंदर आशूर खाने में आएगा और मातम वगैरह भी होगा इसमें। यहाँ पर ये मजलिस ख़त्म हो जाएगी, ये मजलिस ख़त्म होते कि यहाँ पर हमारे पास पूरा तबरुक स्टार्ट हो जाएगा। से पूरी मजलिस ख़त्म हो गई, अभी लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, अब हम भी आखिरी ज़ियारत कर लेंगे, ज़ियारत करने अलावे के अंदर है। सो होप यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।